चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल के लिए हमें क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज करेंगे, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन क्या है वो पढ़ना शुरू करते हैं। बाय अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड आउट द क्वोशेंट क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर आर ऑफ एक्स ऑन डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह दी हुई है, 4x³ + 8x + 8x² + 7, और यहाँ पे बोला हुआ है 2x² - x + 1। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा स्टार्ट कैसे करेंगे, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एज यूजुअल हमारा जो डिविडेंड है। आप बोलोगे सर ये क्या है, तो डिविजन एल्गोरिथम है जो हम यूज करते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो बच्चा यही पॉइंट को हमें प्रॉपर लिखते जाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा है 4x³ + आप बोलोगे सर पहले स्क्वायर आता है, आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है, ऑर्डर आपका चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्यूब होगा, उसके बाद स्क्वायर होगा, उसके बाद 8x होगा प्लस 7। सेम वे बच्चा यहाँ पे 2x² - x + 1, तो ये हमें दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हर बार की तरह हम स्टेप स्टार्ट करेंगे 1 से। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर क्वोशेंट ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4x³ पहला लिखा और यहाँ पे हमें लिखा, आप बोलोगे सर डिवाइजर का पहला जो कोएफिशिएंट 2x² डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2x मिलेगा। क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। 2x को मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे इसके क्वेश्चन के साथ, तो आप 2x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे उसके डिवाइजर के साथ, तो होगा 2x² - x + 1। सबसे पहले बच्चा यहाँ क्वेश्चन में ये लिख लेते हैं 2x, क्लियर। सेम वे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो 4x³ यहाँ पे करेंगे तो 2x² और यहाँ पे प्लस 2x, तो ये हमारा पहला स्टेप रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे 4x³ - 2x² + 2x। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है बच्चा, तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस साइन चेंज करना है, ये कट हो जाएगा। 8 + 2 तो आप बोलोगे 10x², 8 + आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 है और माइनस 2 है तो अब होगा क्या, तो आप बोलोगे सर सिंपल है 6 + 6x + 7, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ये कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब होगा स्टेप हमारा 2। तो स्टेप 2 हमारा क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे होगा 10x² को डिवाइड करेंगे हम 2x² के साथ, तो हो जाएगा 5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन के साथ, तो आप बोलोगे सर डिवाइजर के साथ 2x² - x + 1। अब बच्चा यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो पॉइंट समझो, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्लस 5 को लिख ही देना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 10x², आप बोलोगे -5x और यहाँ पे होगा +5, क्लियर है। जैसे ये होता है हम लिखते हैं 10x² - 5x + 5। तो ये स्टेप खत्म होते ही बच्चा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x, और यहाँ पे आप बोलोगे 7 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा +2, ये हमारा आ जाएगा रिमाइंडर। जैसे रिमाइंडर आप देखोगे यहाँ पे 11x है और यहाँ पे 2x² है, तो आपका ये यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन खत्म हो जाएगा। ध्यान में रखना है ये रिमाइंडर कंसिडर होगा, ये वैल्यू आप बोलोगे छोटी है और ये बड़ी है। तो यहाँ पे लास्ट में हम क्या लिखेंगे, तो इसको ये फॉर्म में लिखना है सपोज, तो आप लिखोगे यहाँ पे 4x³ + 8x² + 8x + 7 = यहाँ पे आप बोलोगे सर क्वोशेंट हमारा है 2x + 2x + 5, और यहाँ पे आप बोलोगे डिवाइजर जो हमारा है वो 2x² - x + 1, और प्लस करके 11x + 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ हम बोल सकते हैं बच्चा ये पॉइंट इतना डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल था, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आपको ध्यान में रखना था। तो ये पूरा सम आपको दिखेगा, आप प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नए एक सम के साथ।